हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड गेमिंग विद मोस्ट ऑफ ग्लोरी गेम प्ले वीडियो। ये लाइन भाई, मैं मुझे नहीं पता मैं कितने दिनों बाद बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक मंथ हो चुके हैं जिस टाइम मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, जो कि था एक लाइव स्ट्रीम वीडियो, बर्थडे का स्पेशल वाला लाइव स्ट्रीम था। लेकिन भाई, मैंने आप लोग को उस टाइम भी बताया था कि अभी चल रहे हैं मेरे एग्ज़ाम और फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 9 अक्टूबर को, जो कि हो गया है ख़त्म। और अभी मैं, मतलब ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो शायद रात को 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर हो रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, एक महीने हम लोगों ने मतलब बिना किसी वीडियो के एक महीने गुजारा है ना। मैंने आप लोग के लिए एक महीने में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि भाई बना ही नहीं पा रहा था। दिक्कत ये था, मेन रीज़न था कि पढ़ना पड़ता, क्योंकि मेरा था भाई फाइनल सेमेस्टर। बट अब फाइनली कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत दिन से गेम खेल भी नहीं रहा था। ये देखिए, हमें मिल रहा है कुछ रिवॉर्ड्स, जो कि है बाद में कलेक्ट कर लेंगे, कम्युनिटी वाले रिवॉर्ड्स है। लेकिन सबसे पहले तो भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरी आर्मी क्या है। तो वही है हमारी आर्मी एज यूजुअल, लेकिन हम लोग करने वाले ग्लोबल बैटल वापसी के साथ। फाइनली जल्दी चलते हैं ग्लोबल बैटल में, कौन होगा हमारा फर्स्ट चैलेंजर आफ्टर माय एग्ज़ाम। और भाई, एक महीने से मैंने वीडियो तो नहीं अपलोड किया, लेकिन जो भी लोग भाई एक महीने से वीडियो का इंतजार कर रहे हो भाई, बहुत ही बहुत दिल से बहुत शुक्रिया ब्रो। आज फाइनली मैं कॉलेज से आ चुका हूँ वापस, सभी दोस्त भी वापस अपने अपने घर चले गए, तो मूड थोड़ा सही नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगा ब्रो। तो फाइनली आज मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने सबसे खास पोकेमोन, जो कि भैया मेरे लिए गिराटिना। गिराटिना इज़ द बेस्ट पोकेमोन फॉर मी, वेदर इट्स स्ट्रॉन्ग और वीक। यहाँ पे है मैगानियम। मैगानियम क्या हमें मार सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये मैगानियम हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, बट ये चेंज कर ले शायद। नहीं, इन्होंने चेंज नहीं किया। इसके पास है ग्रास एंड वाटर टाइप का एडवांटेज। और गिलाटीना ने यूज़ किया है होन क्लो, लेकिन लाइट स्क्रीन इन्हें यूज़ कर लिया है, तो मेरा जो डैमेज है वो 50% हो चुका है डिक्रीज। फिर से हम लोग करेंगे गिलाटीना का होन क्लो, इसके बाद रिफ्लेक्ट। वाओ भाई, रिफ्लेक्ट भी, लाइट स्क्रीन भी, अब ये चेंज ही करेगा। कन्फर्म चेंज करना है इसे, चेंज कर दिया है। और भैया आ चुका है हमारे सामने गार्डेवॉर। गार्डेवॉर का वीकनेस है गोस्ट और गिलाटीना है गोस्ट का किंग। बूम। अबे यार, ये क्या था, एक पे बच गया। अच्छा कोई नहीं भाई, तुम एक पे बच के क्या कर लोगे, चलो जाओ ख़त्म। ये लगाए हुए थे फोकस बेल्ट, जिनके कारण ये 1 HP पे बच गए। और भैया 7th की सोर, इन्होंने कर दिया है सरेंडर। कोई बात नहीं, कोई अपोनेंट हमें अपने बड़ापड़ी का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है गिराटीना वर्सेस गिराटीना, लेकिन मेरे पास भैया है मेगा गिराटीना और सामने वाले पास है गिराटीना। तो क्या हमारा गिराटीना जीत सकता है इनके गिराटीना के आगे? तो रूल के हिसाब से तो हमारा मेगा है तो जीत सकता है, लेकिन गिराटीना वर्सेस रेक्वेजा बहुत हार्ड होने वाला ये बैटल, क्योंकि रेक्वेजा और गिराटीना है भैया, गिराटीना का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कम, लेकिन मैं इसमें भी जीतूंगा। यहाँ पर रेक्वेजा बन चुका है मेगा रेक्वेजा, वो भी ड्रैगन टाइप, और हमारा गिराटीना भी बनेगा मेगा गिराटीना, लेकिन इसका स्पीड है लो, तो क्या ये रिजिस्ट कर पाएगा? स्केल क्लॉ रिजिस्ट तो इसने कर लिया है, लेकिन ओ भाई ओपी, गिराटीना हैज डिफीटेड मेगा रेक्वेजा ड्रैगन। गजब भाई गजब, कहर धा दिए भाई, तूने कहर धा दिया। और ये हमारे गिराटीना के एक आउटरेज ने मतलब सामने वाले अपोनेंट के रेक्वेजा को डाउन कर दिया, जबकि ज़्यादा चांस था मेरे डाउन होने का, लेकिन भाई क्या ही बोले अब गजब। यहाँ पे आ चुका है कन्वेक्टिव एयर स्पेस, द पावर ऑफ फ्लाइंग टाइप मूव इंक्रीज बाई 30% एंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग टाइप पोकेमोन इंक्रीज बाई 20%। स्पीड इनका बढ़ गया, मतलब फ्लाइंग टाइप मूव का जो पावर है वो इनका बढ़ चुका है, तो भैया फ्लाइंग के सामने हम यूज़ करेंगे अपने ग्राउडॉन को, क्योंकि हमारे रिक्वेजा के पास अब हेल्थ नहीं बचा ना, तो कैसे यूज़ होगा? नहीं नहीं यूज़ होगा, रिक्वेजा नहीं गिराटीना के पास। अरे भाई, इन्होंने तो नाम रखा है किरमाड़ा, लगता है ये बचपन में छोटा भीम देखा करते थे। और फाइनली भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, गिराटीना ने तो दिल खुश कर दिया यार।
यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने लैन एंटेड क्वेजा मून शैडो जिराची चार्जर पिजियोट एनक का उगड़े अगेन आई गो फॉर गिराटिना। मे भी मुझे गिराटिना को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए क्योंकि ये मेरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन तो नहीं है लेकिन सबसे बेहतरीन पोकेमॉन है भाई, सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है, मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन है मेरा गिराटिना। और इना नाइम ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये सेकेंड टॉपेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है यूनिवर्स, मतलब थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स का ये किंग है। यहाँ पे डेंजर ने यूज़ किया फायर ब्लास्ट जो कि था नॉन इफेक्टिव और इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। तो क्या आज कोई हमें ऐसा अपोनेंट मिलेगा जो सरेंडर किए बिना लड़ेगा? शायद ये बिना सरेंडर किए लड़े लेकिन मुझे नहीं लगता देख के। तो फाइनली कोई बात नहीं ब्रो, ये सभी बैटल तो अभी इंटरेस्टिंग वाले नहीं हो पा रहे लेकिन इंटरेस्टिंग बैटल होगा, बहुत ही जल्द होगा। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार चीज़ होने वाला है जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने उस चीज़ के लिए इंतज़ार किया है। तो फाइनली नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ब्रो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भाई दबा देना ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट है जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाए उसके नोटिफिकेशन। फाइनली हम लोग अभी तुरंत मतलब लाइट सिल्वर 4 में थे और 2 में आ चुके हैं, क्या गोल्ड में भी चले जाएंगे लगता है। यहाँ पे मिल चुका है मिथिकल मेगा स्टोन सेट एंड अ लैडर, चेस्ट से मिला है हमें डायमंड मेगा सेट एंड सन स्टोन सेट। फाइनली आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबसे पहले एक बात बता दूं भाई, जो भी इस चैनल पे न्यू मतलब जस्ट अभी आपने इस वीडियो को चेकआउट किया और आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो और भी पोकेमॉन के रिलेटेड वीडियोस और भी कुछ गेम के कंटेंट, तो आप जल्दी से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा वैसा लगता नहीं है क्योंकि मैं आपको मेंबरशिप खरीदने को नहीं बोल रहा, जस्ट आपको सब्सक्राइब बटन पर करना है क्लिक एंड देन यू विल गेट सब्सक्राइब टू माई चैनल और योर चैनल एंड रॉकेट गेमिंग। तो फाइनली जैसा कि हमारा जो एम था, मैं भाई अभी तक मैं सच्ची बताऊँ अगर एग्ज़ाम नहीं होता ना तो मैं ये इन सभी और पोकेमॉन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेता, लेकिन मेरा काम आप लोग को इंटरटेन करता है, ये नहीं है कि मेरा आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, बट इंटरटेनमेंट मेन फैक्टर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे भाई मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सबसे पहले मैं बता दूँ जाने से पहले कि भाई नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, बट एक बार ज़रूर से उस वीडियो को कर लेना चेकआउट। आपको अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक देना और वीडियो को तो देख ही लोगे लेकिन सब्सक्राइब तो चैनल कर ही चुके होगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कम बैक सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड रॉकेट गेमिंग, बाय बाय।